जब तुमको फायदा होगा तो उन लोगों को ज्यादा खुशी होगी, हमने ये कुछ करना शुरू कर दिए है, उन लोगों को फायदा होगा तो उन लोगों को ज्यादा खुशी होगी। तो प्रोडक्ट अच्छा है उसको कंपनी को लेके चलो, लोगों को बताने की कोशिश करो, ये नहीं कि मुझे पता चला तो मैं ही क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, नहीं, क्राउन एम्बेसडर अकेला आदमी नहीं बनता है, क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए कितने लोग चाहिए, 20 डायमंड चाहिए, तो अकेला आदमी तो नहीं बनेगा ना, तो वैसे ही हमको क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए 20 आदमी को चुनना है, लेकिन वो आदमी ऐसे हो जो काम करने वाले हो, ये नहीं कि चलो बन गए जोश में आते, इतना जोश में अरे मैं तो दुनिया हिला दूंगा, दिन के बाद हो जाता है ना, क्यों खुश हो जाए, क्योंकि हम उन पे तवज्जो नहीं देते, हम उनको देखते नहीं, हम उनको ध्यान नहीं देते कि वो क्या कर रहा है, वो खा रहे के लिए। आप जब मेंबर बनाते तो उसको कॉल करके आपको पूछना जरूरी है क्या कर रहे हो भाई, आपको फायदा हो रहा है कि नहीं, अरे नहीं आपको फायदा हो रहा है कि नहीं, आप खा रहे हो कि नहीं, ये पूछना हमको जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आपको अपने लोगों को बताना है प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। आज एक ही लेडी है तो हम ब्यूटी के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन बताऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ कुछ गंजे लोग मुझे नजर आ रहे हैं, चमकते हुए सर नजर आ रहे, तो मैं चाहूंगी कि उनको भी बताऊं, ताकि उन लोगों को देख के लोग सामने वाले पूछे कि भाई आप क्या लगाए और आपका बाल कैसे आए, ठीक है, तो आप लोगों के सर पे हम बाल भी उगाएंगे, बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट है जिनके सर पे बाल भी उगे हुए हैं, वो भी हम दिखाएंगे, वो भी मैं दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से जो है ब्यूटी का वो दिखाइए, लेकिन हम आज प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट गैनोडर्मा, ये हमारा फार्म हाउस में मैंने मलेशिया में पिक्चर ली हुई है, इस तरह से गैनोडर्मा मशरूम हमारे ग्रो होते हैं, और ये मशरूम ग्रो करने के लिए डॉक्टर लिम ने बहुत सारी जगह पर, ये पहाड़ पे हमारी फैक्ट्री जो आप लोगों को तो इतनी अच्छी फैक्ट्री बना के इधर मिली हुई है, तो एक पहाड़ पे है, और यहाँ पर कोशिश करना मलेशिया जाने की, जब आप मलेशिया जाओगे फैक्ट्री जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं कहाँ आया हूँ, किस दुनिया में आया हूँ, कुछ पता नहीं। कितने लोग गए यहाँ से मलेशिया फैक्ट्री? एक ही है, इंटरव्यू लेता है, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ एक और मैं एक दो, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब ट्राई करें, नेक्स्ट टाइम जब ट्रिप जाएगी या नेक्स्ट टाइम अगर पैसे लेके भी लेके जाया जाना है तो आप लोग कोशिश करना कि हमको मलेशिया जाना है। जब आप फैक्ट्री देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ चीज है। मैं जब गई थी फर्स्ट टाइम, दिस इज मे, ये मेरा सेकेंड टाइम का था, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ये मशरूम को जब हाथ में लिया तो मेरे आंख में से आंसू आ गए थे, इसलिए आए कि ये मशरूम लोगों को फायदा दे रहा है, ये गैनोडर्मा लोगों को हेल्थ दे रहा है, ये गैनोडर्मा लोगों को वेल्थ दे रहा है, तो इसकी वजह से मुझे मेरे आंख में आंसू आए, ठीक है। तो इस तो इसको देखने से, तो ये बैग हाथ में लेने से ही आपको पता चलता है, और ये इस तरह से कल्टीवेट होता है, ये बैग्स में डाला जाता है, बैग्स के अंदर भूसा रहता है, रबर का भूसा और ये रहता है, उसके अंदर से ये इस तरीके से निकलता है, 90 डेज में निकलता है, ठीक है, 90 डेज में जब वो ग्रो होता है तो उसको कटआउट करके दिया जाता है, ये असली असली मशरूम है, ये देखो काट के दिया हुआ, ठीक है, जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा, इसको हमको काट के ये हम लोग को सैंपल के तौर पे बताने के लिए दिया हुआ है, तो ये मशरूम आपके पास होना चाहिए। लोगों को जब हम बोलते हैं कि मशरूम की चीजें हमारे पास, मशरूम का प्रोडक्ट है, तो लोग क्या समझते हो, बटन मशरूम वगैरह जो हम चाइनीज खाते होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं मशरूम मकरू है, अभी जो मुस्लिम्स है उन लोगों के लिए मैं बोल रही, मकरू मतलब हम नहीं खा सकते, हलाल नहीं है, ठीक है, बहुत सारे लोग मुस्लिम्स अगर मिलेंगे तो वो बोलते हैं कि हम नहीं खाते, ये तो मकरू है हमारे लोग, तो ये नहीं, हमारा हलाल मशरूम है, इसका फतवा भी निकला हुआ है सऊदी से कि इसको हम खा सकते हैं, इसका हम बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हम बिजनेस कर रहे हैं हम पैसे कमाने के लिए तो नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं लोगों को फायदा हो, और जब हम बात कर रहे हैं तो उसका हमको पैसा मिल रहा है, दैट इज हलाल हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं, तो ये गैनोडर्मा है, इतनी कीमती चीज डॉक्टर लिम ने हम तक पहुंचाई है, तो डॉक्टर लिम के लिए मैं सोचूंगी कि आप तो इसी गैनोडर्मा को डॉक्टर लिम ने क्या किया है, कॉफी चाय कोकोजी और टूथपेस्ट सोप शैम्पू सब में परसेंटेज के हिसाब से डाला है, और इसका 100% हमारे पास है हमारा गैनोडर्मा मशरूम पाउडर, तो ये 100% है, इसको अगर खाते हो आप, अब मशरूम ये क्या करना है, दवाइयां बंद नहीं करना है, आप किसी अगर मरीज को दे रहे हो, कोई शुगर पेशेंट है, कोई बीपी कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, कैंसर पेशेंट है, जो भी है,
जिनको भी दे रहे हैं उनको दवाइयां बंद नहीं करनी है, दवाइयों के साथ हमारा प्रोडक्ट देना है। उनको ये नहीं बोलना है कि आप डॉक्टर की दवाई बंद करो, हमारी दवाई शुरू करो। ये दवाई नहीं है, दिस इज फूड सप्लीमेंट्स, पता है ना। मुकम्मल गिजा खाने का है, ये जो नानी दादी को हम लोग को जड़ी बूटी खिलाती थी वही है, जो हम खाना खाते प्लेट से खाना जो खाते वही है। ये कोई ये नहीं है कि दवाई के तौर पे लोगों को दो, लेकिन ये हमारे सेल पे जाके काम करता है, ये हमारे कोशिकाओं पे जाके काम करता है, कोशिकाओं को रिपेयर करता है। जब कोशिकाएं रिपेयर होती है तो हमारे ऑर्गन जो है किडनी लिवर वगैरह उसको स्ट्रेंथ मिलता है, उसको ताकत मिलती है। तो ये अंदर फाइट करता है, कोई बीमारी को अंदर जाने नहीं देता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जब हम इसको लेते हैं आधा चम्मच, तो हमारे यूरिन के जरिए, पेशाब के जरिए, पाखाने के जरिए, स्टूल के जरिए और कफ के जरिए निकल जाता है। अब आपको किसी को डराना नहीं है कि आपको लूज मोशन होगा, एक या दो होगी, चिकना निकलेगा, तो उसमें डरना नहीं, बल्कि वो अच्छा है, डिटॉक्सिफिकेशन, निकल रहा है आपके अंदर से गंदगी। शुगर पेशेंट्स को ज्यादा पेशाब होती है, पेशाब के जरिए निकलता है, तो पेशाब के जरिए निकलता है तो भी उनको डराना नहीं है। कुछ दिन तक होगा, कुछ दिन तक पेशाब ज्यादा होगी, कुछ दिन तक लूज मोशन होगा, कुछ दिन तक कफ निकलेगा, कुछ दिन तक पसीना आएगा। पसीना इतना आता है ऐसा लगता है कि अभी हम नहा के आए, और उस पसीने से बदबू आती है। बदबू मतलब डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, गंदगी अंदर से निकल रहा है, तो खारिज होने के लिए कोई जगह चाहिए ना, तो इन जरियों से ये निकलता है। अभी किसी का पिंपल्स है, तो पिंपल्स वाले को आपने दे दिया सोप दे दिया या मशरूम पाउडर दिया, उसके पिंपल्स पूरे चेहरे पे भर गए, तो बोलेंगे अरे ये तो मेरे को साइड इफेक्ट हुआ। नो, दैट इज नॉट साइड इफेक्ट, बल्कि अच्छी निशानी है। उसको पीठ थपथपाना है कि नहीं ये अच्छा है, आपके अंदर जाके पाउडर्स ने काम करना शुरू किया और ये डिटॉक्सिफिकेशन निकल रहा है बाहर, निकलने दो, निकलने दो। जब वो निकलेगा तो फिर काम डाउन होगा और आपका पिंपल्स वगैरह खत्म हो गया, दाग धब्बे आपके खत्म हो गए। और ये हो चुका है, मेरे साथ हो चुका है, मैंने लोगों को दिया है और लोगों को हो चुका है। यहाँ पर कोई स्टोरीज नहीं बता रहा है, जो स्पीकर्स आते हैं वो स्टोरीज नहीं बताते, जो सच्चाई है वो बता दो। अभी मैं आप लोगों को नजरों से नजरें मिला के बात कर रही हूँ, आपको सामने देख के आपको बता रही हूँ कि ये प्रोडक्ट हमारा क्या करता है, क्या फायदा देता है। झूठे लोग कैसी बात कर रहे हैं, नहीं प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, खाओ आपको फायदा होगा, आपको डिटॉक्सिफिकेशन दे, झूठे लोग नीचे जमीन पे देख के बात करते हैं। लेकिन जो सच्चे होते हैं वो सामने देखते हैं कि मुझे फायदा हुआ, मेरे घर में फायदा हुआ। ये मेरी बेबी को आप लोगों ने देखा, अभी एक साल दो महीने की है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों कितनी एक्टिव है। स्पिनर की बोतल लाके देती, हिलाती है सामने, दो मुझे दो, नहीं देते तो रोती है, उसको चाहिए ही चाहिए उसके मुंह में, एक भी नहीं चाहिए, दो तीन डालना ही है उसी वक्त उसके मुंह में। और कोकोजी दो चीजें मैं दे रही, चार महीने के होने तक मैं इंतजार कर रही, चार महीने की जैसे हुई मैंने उसको प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल से आई, हमारा जनरल सोप से खा रही है, हमारा चेबी बेबी ऑयल लगा रही है, इसके अलावा हमने बाहर का कुछ नहीं यूज किया, हमारे फैमिली ने हम लोग बहुत सारी चीजें यूज की, लेकिन मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं अपने प्रोडक्ट से क्यों नहीं यूज करूँ। बेटी प्रेग्नेंट थी, उसको 20 से 25 खाती थी एस्पिरिन पर डे, डिलीवरी इजी, बेबी हेल्दी होगी, बेबी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा हुआ। स्पेशली प्रेग्नेंट टाइम में बहुत अच्छा है, प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट है, बेस्ट है। जिनको ताकत नहीं होती, जिनको कमजोरी आती है, उन लोगों को आप इजीली ये दे सकते हो। जिनके अंडर में खून नहीं, खून की कमी, जब प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको खून की कमी होती है, वो वोमिटिंग कर करके, उल्टियां कर करके उन लोगों की हालत हो जाती है, तो ये अगर दोगे तुम तो नहीं, ये सारी चीजें नहीं होगी, ये उसको ये करेगा, सही कर देगा, कमजोरी वगैरह को सही कर देगा। तो ये सारी चीजें अच्छी है, जो मशरूम पाउडर सबको देना है। फिर आता है एस्पिरिन हमारा, इट इज ग्रीन ब्लू एल्गे होता है, पानी के ऊपर जो काय होती है उससे बनता है ये, उसको स्टरलाइज किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग फैक्ट्री आओगे तो पता चलेगा, पानी पे से पूरी काय निकाली जाती है और उसको फिर पूरा इकट्ठा करके उसको स्टरलाइज किया जाता है, मशीनों में डाला जाता है, सुखाया जाता है और फिर पाउडर फॉर्म में आता है। हमारे पास कैंडीज में है, बहुत सारी जगह पाउडर है, बहुत सारी जगह कैप्सूल्स में, ठीक है। तो हम लोग के पास कैंडीज में, कैंडीज को थोड़ा सा सख्त करके बना के दिया जाता है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने पाउडर को और इसको नहीं ये किया, तो उन्होंने कैंडीज फॉर्म में हमको दिया, कैप्सूल्स को नहीं दिया, क्योंकि लोग बोलेंगे दवाइयां है बोल के, इसलिए नहीं दिया। तो ये बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए, जो माँ के पेट में बच्चा पल रहा है तब से लेके जो बेड पे बूढ़ा आदमी है उसको भी आप दे सकते हो, इतना अच्छा है, मतलब सबके लिए। अगर मैं सुबह में 12 खाती हूँ, इसकी अगर 12 खाते हैं तो 2 चिकन 7 ग्लास दूध 225 एप्पल की ताकत मिलती है। 2 चिकन एक साथ खा सकते हो? नहीं नहीं खा सकते, ठीक है। तो उसकी ताकत हमको मिलती है, 225 एप्पल कोई नहीं खा सकता है, 225 एप्पल की ताकत मिलती है। अगर 6 भी खाते हो तो 1 चिकन की ताकत मिलेगी,
और आजकल का ऐसा जमाना है कि एक टांग भी नहीं खाई जाती है, सही है, लेकिन ये हम 5-6 तो आराम से ऐसे ही खा सकते हैं। तो इसको लेने से आपको ताकत मिलेगी, हेल्थ मिलेगा। जितने लोग काम पे आप लोग जाते हैं, सुबह में नाश्ते करने की टाइम नहीं मिलता है, लेडीज के लिए बेस्ट है। लेडीज जो हम लोग घर का काम करते हैं, हम लोग दूसरा कुछ काम करते हैं, हम लोग को खाने का फुर्सत नहीं रहता है, फटाफट खाना खाया और हट गए, जल्दी से चले गए, कहीं जाना है मीटिंग में, आज आना था तो मैं जल्दी जल्दी खाना खाई जल्दी, तो इतना हमको पेशेंस से टाइम नहीं मिलता। तो ये अगर खाते तो हमको ताकत मिलती है इससे। तो ये सारे लोगों को हमको देना है, और घर में अपने होना ही चाहिए। आपके बच्चे हैं आप वहाँ लेने बोलो, जहाँ पर नेपाल मतलब बांग्लादेश जहाँ के भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग वहाँ अपनी फैमिलीज को पहले स्टार्ट करने बोलो। वहाँ पर हेल्थ है तो सब कुछ है, सही है। प्लेन में जब बैठते हो तो प्लेन में बैठने के टाइम पे पहले आप मास्क पहनोगे या अपनी फैमिली को पहले पहनाओगे? अगर फैमिली को पीना नहीं जाओ तब तक आपकी सांस रुक जाएंगे, खत्म। तो पहले आप अपना पहनो, तो आप अपना पहनो मतलब आप पहले ये आप खाओ, फिर अपनी फैमिली को खिलाओ, फिर अपने अगल बगल में जो है उनको खिलाओ, और जब वो आपको देखेगा तो जरूर बोलेगा कि आप क्या करते हो उनको बताओ। कंज्यूमर आ गया, कंज्यूमर आने के बाद वो बिजनेस में आ जाएगा। अरे मैं तो इसमें तो कमा भी रहा हूँ, मुझे तो बॉडी फ्री पड़ रहा है। फ्री किसको नहीं चाहिए, सबको फ्री चाहिए। Yes. और हमको ऐसी ऐसी बात नहीं करनी, हमारा प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है? जबीन पैलेस जा रहा है, शेख के पैलेस में हमारी कॉफी जा रही है, हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। जब वो यूज करे तो हम क्यों नहीं? और यहाँ पर इस जगह पर जहाँ बैठे हो, हमको यहाँ पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग मिलेंगे। यहाँ रह के आप बिजनेस करो, आप जो भी बांग्लादेश से आए, जो भी नेपाल से आए, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? पैसा कमाने आए हो, काम करने आए हो, पैसा क्यों कमाने आए? अपने भी फैमिली के लिए, फैमिली बेचारी वहाँ बैठे हुए, बच्चे भी है, जो भी है माँ बाप जो भी है सब उधर बैठे हुए, आप यहाँ आए हो उनके लिए पैसा कमाने के लिए। लेकिन फायदा क्या है? 2 साल के बाद जा रहे हो, 3 साल के बाद। आज मुझे पहली बार, मैं 2 साल अपने मुल्क में नहीं गई हूँ, नहीं तो मैं 15-15 दिन से बिजनेस मीटिंग के लिए जाती थी और मैं अपने मम्मी डैडी से मिलती थी। आज 2 साल में मैं अपने घर पर नहीं गई हूँ, हम लोग इधर आके बैठे हुए क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं जा सकती, नहीं तो मैं मीटिंग के लिए जाती थी, मम्मी डैडी से पहले मिलती थी। तो आज हम इधर बैठे हैं बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, सबके लिए। तो यहाँ से लोगों को इकट्ठा करो, अपना ग्रुप बढ़ाओ, और फिर इधर रहने की क्या जरूरत है? अगर जॉब से ज्यादा इसमें पैसा आता तो चले जाओ अपने मुल्क में। कितने लोग अपने जाके बैठे हुए मालूम है ना, कितने हमारे लीडर्स है जो नेपाल बांग्लादेश इंडिया वगैरह सब बैठ के वहां पर बिजनेस करें। मिस्टर फातमिन अली इज माई अपलाइन, कैनेडा में बैठ के बिजनेस करें। वहां से हमको हथौड़ा मारते ना, हम लोग मारते रहते क्या हो रहा है क्या कर रहे हो, पूछते रहते। आपको भी आप अपने मुल्क में जाके यहाँ के लोगों को पूछो क्या कर रहे हो कि नहीं बिजनेस, लोगों से बात करें, इस टाइप से बिजनेस करें। तो इसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप कंट्रीज कंट्रीज जाके बात करो, कंट्रीज कंट्रीज जाके लोगों को बताओ, आप अपने घर में बैठ के बता सकते। औरतों को लाओ इसमें, औरतों को, अपने घर की औरतों को लाओ। औरतें मेरी तरह बहुत कम बोलती है ना, मैं कम बोलती हूँ और फिर ज्यादा बोलती है। औरतों को लाओ घर बैठे बैठे, फोन पे उल्टी सीधी बात है। हम टीवी देखते थे, बहुत जुनून था टीवी देखने का, पिक्चर फिल्म्स वगैरह देखने का, आज नहीं देख रहे क्योंकि आज इतने बिजी हो गए अपने बिजनेस में ना, कि फोन पे जब किसी का फोन आता है तो यही शुरू हो जाता है। कोई सामने से बोलेगा तबियत नहीं अच्छी है, अरे ये खाओ ना, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो लोग शायद बहुत सारे लोग डरते भी है मेरे से बात करने के लिए, अरे इसको फोन करेंगे तो ये तो पड़ोसी वाले में बात करेंगे। तो नहीं, जिसको जिसकी किस्मत में हमारा प्रोडक्ट होगा उसी को हम बता सकते, वही खा सकता है। सब लोग की किस्मत में हमारा प्रोडक्ट नहीं है, जिसकी किस्मत में होगा वही खाएगा। संजय दत्त ब्रांड एम्बेसिडर, फिल्म इंडस्ट्री वाले भी आ रहे हैं यहाँ पर, ब्रांड एम्बेसिडर बना, देखिए पिक्चर्स वगैरह। यस सर, तो कितनी अच्छी चीज है, अच्छी चीज है इसलिए लोग इधर आ रहे हैं, अच्छी चीज नहीं होती तो लोग नहीं आते। कितनी कंपनी आई और गई, रातों रात खत्म हो गई, डीएसएन गई नहीं, डीएसएन टिक के ग्लू लगा के बैठी हो, और ग्लू क्या है उसका? ये ग्लू है हमारा, ये लोगों को हेल्प दे रहा है, ये लोगों को फायदा दे रहा है, और जब फायदा दे रहा है लोगों को तो प्रोडक्ट हमारा जा रहा है सब जगह। साबुन से भी हमारा बिजनेस हो रहा है, जिस कंट्री में सिर्फ सोप है वहां पर भी हमारा बिजनेस हो रहा है। लेकिन तरीका पता है उनको कैसे लगाना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसी टाइप से हमको बिजनेस करना है। बिजनेस इसी तरीके से आपका होगा जब आप सही तरीके से बताओगे। और दूसरी चीज, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट भी दूंगी। आप लोग यूट्यूब में जाके रोशन आरास थेरेपी में जाओ, वहां पर मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेगी, हेयर
फॉलिंग हेयर ट्रीटमेंट डालो, सीधा आएगा फॉलिंग हेयर ट्रीटमेंट की सारी वीडियोस आएंगी। देखो मेरी वीडियोस में कैसे बता रही हूँ कैसे लगाना है क्या करना है, लेकिन लाइक करो शेयर करो और बताओ लोगों को कि हाँ इसको ये करना है। बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरा वीडियोस बना के अपने चैनल में डाल दिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग शेयर करो, लाइक करो उसको और लोगों को बताओ कि इसको लोगों तक फैलाओ, लोगों को बताओ, क्योंकि फायदा है तो हम बता रहे हैं। यूट्यूब में ऐसे ही हम नहीं डालेंगे कोई वीडियो, सही है। तो हमारे पॉडस के बारे में ही बताया गया, पॉडस का ही मोटापे का है, वहाँ पर कैसे हमको रिड्यूस करना है वेट, वो भी है। तो आप लोग बताओ लोगों को उसके बारे में, पॉडस अच्छा है लेकिन लोगों को सही तरीके से बताओ। तो ये हम लोग का दो चीज हुआ है, मशरूम पाउडर और स्पिरुलिना, उसके साथ में हमारा मोरंजी जूस, मोरंजी ब्रेन टॉनिक, बॉडी टॉनिक, स्टमक टॉनिक, अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, उसके लिए ले सकते हो, अल्सर प्रॉब्लम है तो उसको ले सकते हो। आपका चेहरा अगर ज्यादा पियोगे तो आपका चेहरा ग्लो होगा। एक दिन एक बॉटल देखते हो कि नहीं? यस। कौन? लाजलो। उसको देखो, उसका पहले उसको देखे होंगे आपने और अभी उसको देखो, देख के लगता है कि उसके स्किन में, उसके बॉडी में कितना चेंज आया है। वो ये पीता है एक बॉटल पूरी एक दिन में, ये छोटी वाली। तो हम तो नहीं, चलो वो तो क्राउन एम्बेसडर है, उसको बहुत बह रही है नदियां पैसों की, लेकिन पीना है। दो चम्मच तो भी पियो, चार चम्मच तो भी दिन में पियो, ताकि आपके बॉडी में उसका असर हो जाए। एंटी कैंसर है, कैंसर पेशेंट को मैं ये पूरी बॉटल पांच दिन में खत्म करने बोलती हूँ, इतना इतना आधा कप या छोटा कप है तो पूरा कप भर के पर डे। कैंसर पेशेंट्स मेरे इतने अच्छे हुए, लेकिन ये नहीं कि कैंसर पेशेंट को ये नहीं मैंने बोला कीमो रुका दो और हमारा प्रोडक्ट शुरू करो, नहीं, डॉक्टर का जो इलाज चल रहा है उसके साथ में हमारा प्रोडक्ट देना है। एंटी कैंसर हमारे गैनोडर्मा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कैंसर के सेल्स जो फास्ट ग्रो होते हैं उसको खत्म कर देता है। लेकिन पानी उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पीना है, ये जरूर बोलना है सबको, कैंसर पेशेंट्स को नहीं, सबको बोलना है आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। जितना पानी पिएंगे उतना डिटॉक्सिफिकेशन होगा, उतना निकलेगा, होने तो वो अंदर ही रहेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा, इरिटेशन होगा और आपको लगेगा कि नहीं मुझे प्रोडक्ट सूट नहीं किया। तो ये सारी चीजें हो चुकी है, लोगों ने प्रोडक्ट उठा के रख दिया है, नहीं लिया, और वो लोग अभी आके हमको ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं खाया, नहीं हमको तो ये हुआ। अरे नहीं होता है, आप खाके देखो। और सही भी उन्होंने खाना शुरू किया और जिस तरीके से बताया खाना शुरू किया, उन्होंने कंटिन्यू रखा उसको, उनका जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। तो सही तरीके से बताओ, क्योंकि इतनी महंगी चीजें आप किसी को दे रहे हो, तो ये नहीं कि पॉइंट्स बनाने के लिए चलो 100 पॉइंट्स हो गए मेरे दे दिया मैंने मशरूम और मोरंजी, नहीं, उनको बताओ किस तरीके से लेना है। आधा चम्मच से शुरू करना है, फिर एक चम्मच सेकेंड वीक, फिर वन एंड हाफ, फिर टू, टू को कंटिन्यू रखना है नॉर्मल लोगों के लिए, एथराइटिस पेन, शुगर वगैरह जो है उनके लिए। कैंसर पेशेंट को पूरा मैं 75 ग्राम पर डे देती हूँ, बॉटल में डालो, बॉटल को शेक करो और उसको पियो, क्योंकि उनको सेल्स ज्यादा जल्दी उनके ग्रो होते तो उनको उनको बॉटल में शेक करके 100 टाइम्स शेक करके उनको पीने देना है पूरा 75 ग्राम, मतलब अपना माइक्रोविटा के 6 शॉट्स पर डे। तो इस तरीके से दे सकते हो। किसी को स्किन प्रॉब्लम है उसको आप आधा आधा बॉटल इसमें डाल के उसको शेक करके पियो, तो स्किन प्रॉब्लम जो है सोरासिस वगैरह है फास्ट इफेक्ट होगा, फास्ट जाके अंदर। और ज्यादा फायदा होता है जब हम शेक करके बॉटल को मिला के जब पीते ना, उससे ज्यादा फायदा होता है। आप जब पाउडर मिला के ऐसे पीते हो तो उतना नहीं फायदा होगा जितना हिला के उसका जो झाग आता है ना उसको सिप सिप से पियोगे तो उससे जल्दी फायदा होगा। मैं मुझे कुछ नहीं, मैं वैसे पीती हूँ, सुबह में छोटी पाउडर रखी हुई मेरे सिराने पे, मैं उसमें डालती हूँ, उसको शेक करती हूँ फिर पीती हूँ मैं, तो उससे जल्दी आपके पूरे ब्लड में और उसमें मिलेगा वो, और पूरे बॉडी में जाके हर ऑर्गन्स पे जाके काम करेगा। तो दिस इज एंटी कैंसर भी है, बालों के लिए अच्छा है, चेहरे के लिए, स्किन के लिए अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज के लिए अच्छा है। अगर कुछ आपको लगता है कि बच्चे को बुखार वगैरह आया तो भी दे सकते हो, उसके लिए रोजर जूस अच्छा है अगर बुखार वगैरह है, क्योंकि विटामिन सी है, ठंडक है उसमें। तो अगर किसी को बुखार है तो एक चम्मच आप खाली रोजर जूस पियो, आपका बुखार फौरन खत्म हो जाएगा। इसमें है लेकिन कुछ कम कम क्वांटिटी में, लेकिन रोजर जूस हमारे पास पूरा बॉटल का, हम उसको भी अपने घर में रख सकते हैं, ठीक है। तो वो बुखार वगैरह के लिए अच्छा है। जिसका बॉडी वीक होता है, जिसके तलवे गर्म हो जाते हैं, नीचे के पैर के वो गर्म हो जाते हैं, बॉडी में हीट आ जाता है, खासकर लेडीज को भी होता है हॉर्मोन्स की वजह से, तो उनको हमारा रोजर जूस इज बेस्ट। और जिनके पैर में क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, दिस इज पेन किलर,
ये पेन किलर है, जिसको पेन होता है, अगर किसी के बॉडी में पेन है, अर्थराइटिस पेन है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा नीम गर्म पानी में रात को मिला के पियो और सो जाओ, नींद भी अच्छी आ जाएगी और आपका पेन भी रिलीज हो जाएगा उसी वक्त का है तो। और अर्थराइटिस क्रैम्प जो आते हैं पैर में, है ना, पैर पूरा ऐसा मुड़ जाता है, उसके लिए बेस्ट है। एक लेडी ने हैदराबाद में शुरू किया, उसको फायदा हुआ, उसने 10 लेडीज को बोला, 10 लेडीज ने लेना शुरू किया। ये चीज होना चाहिए, प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे कहीं, जब आपको फायदा हुआ तो आपने इनको बताया, इसको फायदा हुआ, इसको बताया। इस तरीके से हमारे मोर देन 10 मिलियन लोग है जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो आपको भी इसको बताना है, ठीक है। तो लोगों को इस तरीके से, ये पेन किलर भी है तो इसके लिए भी अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन कर्व्स वगैरह के लिए भी अच्छा है। अब इसी को टूथपेस्ट में डाल दिया है परसेंटेज के हिसाब से, कुछ नहीं तो अभी अभी कितने 3-4 दिन बाकी है, 27 है, 24 है, 5 डे बाकी है, ठीक है। 5 डेज का ऑफर है, एक 5 के साथ एक फ्री, 5 बेचो एक रखो अपने लिए। अभी तक कितने लोगों ने ऑफर्स उठाए, उठाए आप लोगों ने? Yes, हाँ, तो सोप है, छोटी छोटी चीजें उठाओ जो आपकी बिकने वाली है। बाकी सब मशरूम पाउडर वगैरह अगर नहीं बिक सकता, आपको लगता है कि नहीं बिकता है, छोटा बिक सकता है, तो आज मैं एक ट्रीटमेंट बताऊंगी, तो उसके साथ आप 5-5 चीजें खरीद लो और वही लोगों को सेल करो। बालों का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए शैम्पू 5 खरीदो, टूथपेस्ट 5 लो, गैनो ऑयल 5 लो और स्पिरिना छोटा 5 लो, और उसी को बोलो लोगों को बालों का ट्रीटमेंट है वो अगर आप लेते हो आप ये इसी हफ्ते में, तो आप लोगों का बिजनेस बालों का हो सकता है, लोग लेंगे आपसे। तो टूथपेस्ट हमारे घर का एक छोटा सा फार्मेसी है, टूथपेस्ट जिसके घर में है आपको दवाई डॉक्टर या कुछ फर्स्ट एड बैग ढूंढने की जरूरत नहीं। जख्म पड़ा लगा दो, जला लगा दो, बालों में डैंड्रफ है लगा दो, चेहरे पे फुंसियां हैं, पिगमेंटेशन है, छाइयां हैं लगा दो, कुछ नाखून में प्रॉब्लम हुआ है लगा दो, कुछ भी है टूथपेस्ट लगाओ। बेबी अभी आई थी, उसको इसमें एक्सपो गई थी तो ठंडा लग गया था, तो वोमिटिंग कर रही थी, मैंने उसकी माँ को बिना बोले मैंने टूथपेस्ट थोड़ा सा लिया, ऐसे ऐसे किया, उसकी मुंह में चखा दिया, फौरन उसकी वोमिटिंग खत्म। ये कोई जो किया मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोली, सही में फौरन उसकी वोमिटिंग खत्म। थोड़ी देर में बाहर आके मैंने उसको बताया, बेटी को कैसा अभी कुछ हुआ, अभी वोमिटिंग में तो नहीं, मैं बोली मैंने उसको टूथपेस्ट चखाया, मुझे पता था कि इससे फर्क पड़ेगा उसको। अब रात में डॉक्टर भी नहीं, उसके पापा भी यहाँ पर नहीं, इंडिया में गए हुए, क्या करेंगे। मैंने बोला चलो, ये वो बोल रही थी, चलो मम्मा डॉक्टर बोल रही, आज रात उठते फिर देखेंगे। मैंने सीधा टूथपेस्ट लेके उसको चखा दिया अंदर, उसको बल्कि ब्रश में ऐसे खाली लगा के देती तो खा लेती अंदर, वो ब्रश करा दी तो अंदर खा लेती, दो ही दाँत है ऊपर, 3 दाँत है नीचे, 2 दाँत है चख ले अंदर ले लेती है, तो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हार्म नहीं है उसमें, कोई केमिकल नहीं है, आप दे सकते हैं बच्चे लोग, अगर खाए तो भी चलेगा। लूज मोशन हो रहा है, थोड़ा सा नीम गर्म पानी में मिलाओ पी लो, आपका लूज मोशन खत्म हो गया। तो इस तरीके से ये टूथपेस्ट हमारे घर का एक फर्स्ट एड बॉक्स है, आप इसको अपने घर में रख सकते हो, अगर कोई ऐसा इमरजेंसी आया तो आप इसको लोगों को दे सकते हो, लोगों को बता सकते हो। बड़े नहीं दे सकते, छोटे टूथपेस्ट दो, कि चलो ट्राई मांगते, लोग मांगते हैं कि हमको ट्राई के लिए दो, हमारा प्रोडक्ट हम ट्राई के लिए नहीं दे सकते, पता है ना। 2-4 स्पिरुलिना खाने से उनको फायदा नहीं होने वाला है, एक कप एक पैकेट कॉफी पियेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, जब पूरा बॉक्स यूज करेंगे, जब पूरा स्पिरुलिना का 120 वाला भी अगर बॉक्स खत्म करते तो उनको उससे फर्क पता चलेगा कि हाँ मुझे इससे फायदा हो रहा है, फिर आके वो 500 वाला कैंडीज वाला आपसे लेगा। तो इस तरीके से हमको लोगों को उसको बताना है कि किस तरीके से हमको ये करना है। तो टूथपेस्ट के भी बहुत सारे फायदे हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, शैम्पू नहीं लाके दिया है उसने। फिर टी ट्री क्रीम है हमारे पास, टी ट्री क्रीम भी बहुत ही फायदेमंद है, ये थोड़ा सा स्ट्रांग है, प्लस जो है थोड़ा सा स्ट्रांग है, ठीक है, तो ये भी अच्छा ही है, सेम ही है लेकिन थोड़ा स्ट्रांग है। फिर टी ट्री क्रीम, अभी सर्दी जुकाम शुरू हो गए, मौसम चेंज हुआ, सर्दी जुकाम शुरू हो गई, सही, लोग छींकना शुरू कर दिए, तो लोगों को दे सकते हैं, प्रोडक्ट में बहुत आगे निकल गए। एसी बंद है क्या? हाँ ना, बहुत गर्मी, गर्मी लग रही मुझे, आप लोगों को भी लग रही ना। डॉक्टर लीम है, ये हमारे इधर का ही पिक्चर है, यहाँ पर पढ़े हुए डॉक्टर लीम आए थे, मिस्टर फातमी गनी मैम आई अपलाइन, और बहुत अच्छे कोच है, टीचर बहुत अच्छे टीचर है, और अभी भी वहाँ जाने के बाद भी सबका ध्यान रखकर मीटिंग्स करते रहते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स पर मैं भी बात कर रही हूँ। तो टी ट्री क्रीम इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा आपके पास में होना चाहिए, तो ये मेरे पास मेरा बटुआ है रखा हो, इसके अंदर मेरे सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, टूथपेस्ट, टी ट्री क्रीम, चेरी बेबी ऑयल, ओके,
सारी चीजें इसके लिए। ऐसे ही छोटा सा आप अपने बैग में रख सकते हैं सोप, ओके, पानी और एक कुछ था, हाँ, हैंड एंड बॉडी लोशन मेरे बैग में, ठीक है, तो वो भी छोटी बॉटल में निकाला हुआ। तो टी ट्री क्रीम बहुत ही अच्छा है, इतना सा, ये कितना दिन चलता है, इसको क्या करना है, बस थोड़ा सा। अभी अगर किसी ने छींका आपके सामने तो छींक के ये मत समझो इसको कोरोना हुआ है तो भाग गए, नहीं, उसको थोड़ा सा निकाल के दे दो, ये थोड़ा सा राइस साइज देना, इतना ही देना है। वो बोलेगा कंजूसी से इस्तेमाल कर दे, लेकिन हम लोग को क्रीम ही कंजूसी से इस्तेमाल करना है, ठीक है, बस इतना सा ही देना है। इसको लेके सूंघिए जोर से, तो नाक ब्लॉक हो गई है, जैम हो गई है, अगर ये नहीं निकल रहा है अंदर से बाहर, तो ये जब सूंघोगे तो निकलेगा। रात को सोने से पहले सर पे लगा तो सो जाओ, नींद अच्छे से आ जाएगी। चेस्ट पे लगाओ अपने बच्चों के, बच्चे छोटे हैं तो उनको सर्दी जुकाम हो रहा है, उनके चेस्ट पे लगाओ, बेस्ट क्रीम, और इट इज गुड फॉर पिगमेंटेशन, छाइयां जिनको होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो वो ट्रीटमेंट भी मैं बताऊंगी। तो ये टूथपेस्ट के आप 5+1 ले सकते हैं, टी ट्री क्रीम का 5+1, शैम्पू का, ये जो चीजें आज बता रही वो 5+1 तो उठा ही लेना है आप लोगों को, सही है, तो उससे आपको पता चलेगा। और ये सैनिटाइजर हम लोग इतने सारे यूज कर रहे थे, हम लोग सैनिटाइजर के तरीके से इसको यूज कर रहे थे अपना टी ट्री क्रीम, हम लोग बाहर से सैनिटाइजर वगैरह नहीं ले रहे थे, उसमें भी कितने केमिकल्स है, हम लोग अपना ही यूज कर रहे थे, अपना टी ट्री क्रीम बेस्ट है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, कितने लोगों के पॉकेट में रखा हुआ है, किसी के नहीं है, नहीं है, रूम में भूल गए ना, ऐसी सुनने मिलता है कि रूम में भूल गए, ठीक है। तो ये वाला बहुत ही अच्छा है, फिर हमारा कॉस्मेटिक है, एलोवेरा का बहुत ही अच्छा है, फिर लिपस्टिक्स भी 5 के साथ 1 फ्री ले सकते हो आप लोग। ये है ऑयल जो है उसका 4 के साथ 1 फ्री था, तो वही अभी रखा है ना, तो वो 4 के साथ 1 फ्री ले सकते हो आप लोग। ऑलिव ऑयल वो पहले 4 का था, वही अभी ऑफर में रखा है, तो 4 के साथ वो भी ले सकते हो। तो प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छा है। फिर उसके साथ में हम लोग ये सोप है, सोप कैसे हमको इस्तेमाल करना है, सोप में हमारे कुछ ये नहीं, केमिकल नहीं है, गैनोडर्मा है और प्लस पाम ऑयल है। पाम ऑयल स्किन के लिए हमारे बहुत अच्छा, आपके स्किन को भी अच्छा करेगा, साफ करेगा और अच्छा ग्लो देगा, और पिंपल्स वगैरह जो है वो भी खत्म करेगा और स्किन को साफ कर देगा। नहाने के लिए हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं, सोरासिस प्रॉब्लम वगैरह है, स्किन प्रॉब्लम है, उनको यही सोप देना है, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है। मैं जितनी बार भी मलेशिया गई हूँ, मैंने हमेशा फैक्ट्री में यही पूछा कि कितना केमिकल है बताओ, उन्होंने कहा 0% केमिकल, कोई केमिकल नहीं। इसीलिए हम बोलते चेहरे पे लगाओ और छोड़ दो 15 मिनट। आप बाजार का जो सोप है उसको लगा के छोड़ सकते हो? मार्केट के सोप को छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। अगर उसको छोड़ते हो तो आपको इरिटेशन होगा, आपका स्किन जलना शुरू हो जाएगा। इरिटेशन होगा आपको और आपको लगेगा कि चेहरे पे कुछ जल रहा है, कुछ इचिंग हो रहा है, खुजली आ रही है। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल है। हमारे प्रोडक्ट्स में केमिकल नहीं है। हमारा साबुन आप कितना भी दे, रात भर भी रखते रहो, लेकिन मैं लोगों को बोलती हूँ रात भर रखने की जरूरत नहीं है, 15 से 20 मिनट रखो उसके बाद धो लो। बहुत सारे लोग लेते हैं, लगाते हैं और धो लेते हैं, सही तरीका है? सही तरीका नहीं, पैसे उनके गए पानी में बह के। अगर लगा के छोड़ोगे तो आपकी स्किन पे उसका फायदा आएगा, तो लगा के इसको छोड़ देना है, इसमें कोई वो नहीं है। जब मुझे डॉक्टर लिम ने जब बुलाया था मलेशिया में, जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया था ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए, तो जब मैं गई थी तब भी मैंने फैक्ट्री में जाके ये सब प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल की, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए ही गई, तो तभी भी उन्होंने कहा हमारे कोई प्रोडक्ट्स में केमिकल नहीं है, सब प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री है, ठीक है। तो उसको आप लोग ये कर सकते हैं, ये हमारा एपिडर्मल, डर्मस एंड फैटी टिश्यूज है। जब तक ये अंदर का सिस्टम अगर आपका क्लीन नहीं है, अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो डर्मस पे आपके ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, और यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो आपका एपिडर्मस है जो ये ऊपर वाला हिस्सा है वो अच्छा नहीं दिखेगा, चमकेगा नहीं, या आपके जो इसके एपिडर्मस के जो बाल है, अंदर का सिस्टम अगर डैंड्रफ है और खुजली है कुछ है, तो बाल आपके अच्छे आना नहीं शुरू होंगे, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। और स्किन का भी वही हाल है, जब तक अंदर का सिस्टम अच्छा नहीं है तब तक आपका ऊपर का सिस्टम अच्छा नहीं होगा। तो अंदर का सिस्टम अच्छा करने के लिए मशरूम, स्पिरिना, मोरंजी सबको देना जरूरी है। अब पिंपल्स क्यों आते हैं, जो दाने फुंसियाँ आती है क्यों आती, क्योंकि अंदर का सिस्टम अच्छा नहीं, अंदर गर्मी है, हीट की वजह से भी पिंपल्स ऊपर फेंकता है, ठीक है, और हार्मोन चेंज की वजह से भी पिंपल्स आते हैं। तो उसकी वजह से हमको ये तीनों चीजें लेना जरूरी है, कुछ दिन तक लो, 4 से 6 महीने का टाइम देना जरूरी है। आप ये बोलोगे कि आज खाओगे कल फायदा होगा, लोग इंतजार करते कब फायदा होगा, कब फायदा होगा, अच्छा फायदा होगा तो छोड़ देते,
और जब छोड़ देते तो फिर से होता है, क्योंकि उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट नहीं किया, पूरा वो जड़ों में जाके काम करने नहीं दिया। ऊपर से तो अच्छा हुआ लेकिन जड़ में जाके काम नहीं हुआ है, तो जड़ में काम करने 4 से 6 महीने का टाइम देना जरूरी है। जब 4 से 6 महीने का टाइम होगा तो उनका अंदर से जाके फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये दे सकते हैं, ये हम लोग को सिस्टम सही करना जरूरी है। यहाँ पर खाने के लिए हमको पोटास खाना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन फ्रूट्स सलाद वगैरह खाना जरूरी है, फ्रूट्स वगैरह खाना। फिर इसमें भी केमिकल्स है, तो केमिकल्स को निकालेंगे कैसे? फ्रूट्स वगैरह लाते हैं उसमें भी केमिकल है, सब्जियां जो ग्रो हो रही है उसमें भी केमिकल। अगर घर में उगा रहे हैं तो वो आपको अपनी घर की उगाई मिलती, लेकिन जब बाहर से ले तो केमिकल बेस मिलती, छिड़काव जिसपे किया हुआ है वो आप हम खा रहे हैं तो उसी से हमारे अंदर में टॉक्सिन जाएगा। अभी हमारे जो बुजुर्ग है, बूढ़े माँ बाप है, दादा दादी थे, वो लोग अपनी उम्र से मरे, वो लोग बीमार हो के नहीं मरे, सही है? तब बीमारियां थी ही नहीं, अभी बीमारियां आई और डॉक्टर भी ज्यादा हो गए, तो डॉक्टर ज्यादा हो गए तो बीमारियां ज्यादा हो गई। अब दवाइयां खाओगे तो उससे भी बीमारियां होगी, तो उससे अच्छा हर्बल पाउडर्स खा लो, हेल्दी पाउडर्स खा लो, चाय कॉफी साबुन शैम्पू सब यूज करते हो ना, चेंज योर ग्रोसरी, कम टू हेल्दी ग्रोसरी। और ये हमारी ग्रोसरी जितनी बड़ी बड़ी है, अगर यहाँ किसी नए आदमी को लाते हो तो देख के चौंक जाता है कि अरे इतने बड़े ऑफिस है आपके। कल एक आई थी, बोली इतने बड़े बड़े ऑफिस है आपके, इंडिया से कोई आए थे मुझे मिलने शाहजा ऑफिस में। फिर उसके बाद मेरी एक क्लाइंट और आई, तो वो आके देख के चौंक गई कि इतना बड़ा ऑफिस, बोले अंदर 2 रूम और है हमारे मीटिंग रूम। अच्छा इतने बड़े बड़े ऑफिस में, इतने ऑफिस बड़े बड़े हमारे 11 इसमें है एमिरेट्स में, 7 एमिरेट्स में 11 ऑफिस है। चौंक गए वो देख के, ऑफिस इतनी बड़ी बड़ी है, इतना अच्छा है, आप लोग पैसे देते हो, रेंट देते हो, कॉफी फ्री में मिलती है, कॉफी बना रहे पी रहे, पहले तो फ्री मिलती थी लेकिन जरा लोगों ने फायदा उठा किया, तो अभी अपना पॉकेट में अपनी कॉफी बना के पियो, हम तो फ्री पिए बहुत साल है। ऑफिस फ्री, एसी फ्री, सब कुछ फ्री है, रेंट नहीं देना है, कुछ नहीं देना, ये आपका ऑफिस है, आपने साइन किया, आप इसके मेंबर बन गए, शेयर होल्डर हो गए आप, यहाँ से आपको कोई नहीं, डॉक्टर लिम भी नहीं निकाल सकते। ये बिजनेस डॉक्टर लिम का नहीं है, ये बिजनेस किसका है? खुद का है। हमारा बिजनेस है ये, डॉक्टर लिम का बिजनेस नहीं है, ये सलीम सर का बिजनेस नहीं है, मैथ्यू सर का बिजनेस नहीं, ये हमारा बिजनेस है। यस, आप बिजनेस करोगे आपको पैसा मिलेगा, आपको बिजनेस मिलेगा, आपको लोग मिलेंगे, आप बिजनेस नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर लिम ने सिर्फ हमको एक रास्ता, एक विजन दिया है हमको, उसको हमको कंप्लीट करना है, उसको हमको आगे बढ़ना है, आपको हर एक से बात करना। आप लोग तो मेट्रो वगैरह से आते जाते हो, बस से आते जाते हो, कितना अच्छा चांस है। सिर्फ टी ट्री क्रीम रखो, एक दिन टी ट्री क्रीम रखो और सुंघाओ किसी को, बाजू वाले को, तुम सुंघो पहले, बाजू वाला पूछेगा क्या सुंघ रहा है, क्या है, अच्छा ऐसा ऐसा देखते रहेगा, उसको बोलो चाहिए क्या, दे देना उसको थोड़ा सा। लेकिन आपके पर्स में एक पैक वाटर होना चाहिए, अंडरस्टैंड? जब आप इसको सुंघा रहे हो तो ये तो खुला हुआ है आपका, लेकिन आपके बैग में एक पैक वाला होना चाहिए। जब आपने उसको सुंघाया तो बोलेगा भाई मुझे चाहिए ये, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं, मेरे पास है रखा हुआ, ले लो भाई। अगर उसको बोलोगे मैं कल परसों ला के देता हूँ या ऑफिस का एड्रेस दोगे तो ऑफिस में आएगा, तो हो सकता है कोई उसको याद ही नहीं होगा तुम्हारा नाम, बोलेगा कि हाँ बस मुझे किसी ने बोला था, तो जो भैया मिले तो बोलेंगे आ जाओ मेरे अंदर में, मैं लेके देता हूँ आपको। तो ये गलती मत करना, आप अपना उसको बोलना मैं दे रहा हूँ, उसका नंबर एक्सचेंज करना जरूरी है, जिससे मिलते हो जो पूछता है उसका नंबर एक्सचेंज करना है। नंबर एक्सचेंज कैसे करना है? मोबाइल उठाना है, मेरा मोबाइल किधर है, मोबाइल उठाना है आपको, मोबाइल हाथ में लेना है, मोबाइल उठाना है, उसको बोलना है मैं आपको मिस कॉल देता हूँ, मेरे फोन से मिस कॉल देता हूँ, आपका नंबर क्या है बोलो, नहीं मैं कुछ बोल रही हूँ, मैंने मोबाइल आपका ले लिया, ठीक है, मैंने आपको सेव किया, मैंने आपको मिस कॉल दे दिया, तब उसका नंबर आपको मिला, नहीं तो नंबर देते नहीं है या नंबर अलग से बताते। जब आपके सामने उसका टिंग 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 बजा मतलब समझना उसने सही नंबर दिया है, अगर नए बजा तो समझो वो ऐसी हल्ली वल्ली, ठीक है। तो ये करना है, फोन आपको उठा के बोलना मैं मिस कॉल देता हूँ, तो मेरा नंबर भी आपके पास आएगा, मेरे पास आपका नंबर आएगा। ये तरीका है बिजनेस करने का, इस तरीके से आपको बिजनेस करना है, तो ऐसे लोग मिलेंगे, नहीं तो ऐसे लोग छूट जाएंगे, आपको मिलेंगे नहीं लोग। तो इस तरीके से आपको ये अगर दिए उसको या आपके पास ये पैक्ट है उसको भेज दो वहीं पर, वही के वही वो ले लेगा। अगर वो बोला कि मैं कल आके लूंगा या आपने बोला मैं कल जाके दूंगा आपको, वो दूसरे दिन नहीं आने वाला, क्योंकि वो किसी और से जाके बात करेगा तो कोई और बोलेगा वो डीएक्सएल का मैंने यूज किया उससे फायदा नहीं, क्योंकि उसको फायदा नहीं हुआ था, उसको जिसने दिया था उसने सही तरीका नहीं बताया था, उसको फायदा नहीं हुआ था, इसलिए वो उसको बोल रहा है कि इससे फायदा नहीं होगा आप मत लो।
तो ये मत करें आप, अगर कोई मिलता है तो उसको बराबर से अपने इसमें ले लो, उसको बराबर से नंबर दो, फोन नंबर दो, एक्सचेंज करो, जहाँ बुलाता है वहाँ जाओ और आप उसको बताओ कि बिजनेस हमारा बिजनेस प्लान क्या है, हमारा बिजनेस कैसा है, हमारा प्रोडक्ट कैसा है। जब वो देखेगा प्रोडक्ट देखेगा और बड़ी बड़ी मीटिंग्स में लेके आओ, अभी जो हमारा इसमें हुआ था मीटिंग हुआ था क्राउन एम्बेसडर क्राउन प्लाजा में, वहाँ मैंने अपने दो लोगों को बुला के लाया था, उन लोग देख के वहाँ पर मोटिवेट हुए, पता है वो लोग मेंबर बनाने शुरू कर दिए, नए मेंबर थे, सो सो के काम करते, सो सो के जॉब पे जाते थक के आते, नहीं बात कर सकते, अभी एक्टिव हो गए। कल इतने फोन किया, मैंने पाकिस्तान में एक मेंबर बना था, एक लुधियाना में भी मेंबर बना दिया, मैंने नंबर जल्दी से उसका नंबर लेके मैंने लुधियाना में फोन किया, पाकिस्तान में फोन कर दिया कि मेरा कोई बंदा आने वाला है उसको जरा हैंडल करो, क्योंकि मैं अगर फोन करती हूँ तो मुझे जानते ही लोग ना कि रोशन होगा मैडम का, तो मेरा मुझे मेरा पता है मेरा बंदा इधर उधर नहीं जाएगा, मेरा बंदा मेरे पास ही रहेगा, ठीक है। तो मैं फौरन फोन करती हूँ, लुधियाना में भी फोन की, क्राउन एम्बेसडर उधर रहते हैं इसमें राजीव, उसको फोन किया, मुझे लुधियाना में कोई मेरा जाने वाला एक लेडी जाने वाली, प्लीज जरा बात करो। बोला मैडम हूँ आपको जानता है, आप फोन करके बोल दो, मैंने मैसेज भेजा, उसने बोला आने दो उसको मैं संभालूंगा। तो ये तरीका होना चाहिए, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में लेके जाओ। उस दिन बंगला मीटिंग थी, कितने बांग्लादेश के यहाँ पर, कितने लोग है यहाँ, कितने लोग गए थे मीटिंग में, बांग्लादेश की मीटिंग में कितने लोग गए थे, बहुत सारे लोग, अभी कितने लोग गए थे बताओ, इधर से कितने लोग गए थे, कैसा था, 600 लोग एक मीटिंग में, 600 लोग आए थे, पूरा हॉल भरा हुआ, पूरा होटल भरा हुआ, लास्ट में टिकट नहीं मिला, लास्ट में टिकट बंद कर दिए। अगर 1000 का होता तो 1000 भी होता, लेकिन बांग्लादेश वाले लोग वो शोर करते हैं इसलिए 1000 नहीं दिए। 500 का बंदोबस्त किया, 600 टिकट बिक किया, फिर भी 2 दिन टिकट नहीं मिला, मेरे को भी नहीं मिला मेरे आदमी के लिए। तो ये हुआ, और वो मीटिंग इतने लोग थे वहाँ, खासे बांग्लादेश के लोग थे, तो सोचो सिर्फ एक मीटिंग में 600 बांग्लादेशी आए, तो अगर हमारी इतने 190 कंट्रीज के लोग अगर जमा हुए तो हम लोग को एक हॉल भी बस नहीं होगा, एक स्टेडियम भी बस नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर लीम चुन चुन के लोगों को, जो पॉइंट्स बनाते उन्हीं को बुलाते जब हमारी एनिवर्सरीज होती है मलेशिया में, क्योंकि इतने लोग रहेंगे कहाँ पर, तो इतने लोग काम कर रहे हैं, मोर देन 10 मिलियन लोग काम कर रहे हैं, तो बिजनेस है, प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सिस्टम अच्छा है, सिस्टम ही आपको लेके जा रहा है, तो इतना अच्छा सिस्टम आप लोग के हाथ में मिला, तो उसको अच्छे से करने की कोशिश करो, उसको बढ़ाने की कोशिश करो, इधर से बिजनेस लेके जाओ, पैसा कमाने की कोशिश करो, यहीं पर आपका जॉब, जो भी आप कितने भी मैनेजर हो, जो भी हो, जॉब रहने वाला नहीं है। कितने लोग देखो अभी, कितने लोगों का जॉब चला गया, बेचारे लोग चले गए वापस, फैमिलीज लेके जाना पड़ा, फैमिलीज जो यहाँ इतने सालों से थी उन लोगों को हटना पड़ा यहाँ से, क्योंकि खत्म हुआ, कोरोना ने सबको खत्म कर दिया, सबको कमजोर कर दिया कोरोना। अगर जिसके पास रिएक्शन है, हम लोग को तकलीफ हुई, जो भी पुराने मेंबर्स है यहाँ, तकलीफ हुई आप लोगों को, जो कोरोना का असर हुआ, मार्केट खत्म हो गया, डाउन हो गया, असर हुआ आप लोगों को, नहीं, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन था, रिएक्शन ने हमको ऊपर रखा, हमको नीचे दबने नहीं दिया, मैनेजमेंट ने हमको बहुत हेल्प किया। तो इतना अच्छा बिजनेस है, उसको कोशिश करो आगे बढ़ाने की, यहाँ से लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करो, बिजनेस आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तो चलो, पानी ज्यादा पीना है ना, ये तो ये बातें होते होते कहीं ये कहीं हम चले जाते हैं, ग्राउंड प्लाजा में पहुंच गए, ठीक है। पानी, फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह खाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, अगर आप अपना प्रोडक्ट खाते हो तो भी, नहीं खाते हो तो आपको पानी ज्यादा पीना है। मुझे जरा पानी ला के देने, बोलो बाहर काउंटर पे ला के देने, वहाँ से कोई बोलो खाली पानी लाने, बोलो ना उनको, तो हमको ये पानी ज्यादा पीना है, ठीक है। पानी जितना ज्यादा पियोगे उतना अच्छा है। सोप है, सोप में सिर्फ जैनोडर्मा है और पाम ऑयल है, पाम ऑयल इज गुड फॉर स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा, तो उसको यूज कर सकते हो आप लोग। किस लिए सोप यूज करना है, पिंपल्स के लिए अच्छा है, दाने फुंसियों के लिए अच्छा है, पिगमेंटेशन छाइयों के लिए अच्छा है, मस्ता छाया नेपाली और बांग्लादेशी जो भी है, टैन स्किन धूप में जो हमारी स्किन जलती है उसके लिए भी हमारा सोप बहुत अच्छा है। चेहरा काला हो जाता है, गर्दन गोरी हो जाती रह जाती, ठीक है। तुम क्यों ला रहे हो, काउंटर पे बोल रहे हो, इतना सवाल तुम होंगे मेरे से ही, काउंटर पे बोलो।
स्किन को ग्लो करता है, चमकाता है, स्किन को टाइट करता है। आज आप लोगों को 10 सो खरीदने हैं, ठीक है, 10 के साथ एक फ्री। हाउ टू यूज, कैसे इस्तेमाल करना है, पानी मारना है, वॉशरूम में जाके पानी स्प्लैश करना है, पानी स्प्लैश करके दिखाना है, है ना, बताती हूँ पहले से, जब ज्यादा लेडीज रहेंगी तो करेंगे, ठीक है। पानी स्प्लैश करना है, सोप को लेना है अच्छे से हाथ पे, जब हाथ पे आप लोग पानी के साथ सोप लोगे और उसको ये करोगे तो वो क्रीमी फॉर्म में होगा, उसमें बबल्स वगैरह नहीं होगी, क्रीमी फॉर्म मतलब वो क्रीम है, वो उसमें कोई केमिकल नहीं है। यही चीज आप शेविंग के लिए भी यूज कर सकते हो, शेविंग के लिए सिर्फ यहाँ नहीं लगाना है, पूरे चेहरे पे अच्छे से लगाओ उसको, अगर शेविंग के लिए लगाना है तो उसमें 2-3 ड्रॉप गैनो ऑयल के डाल दो तो ज्यादा फॉर्म आएगा, ठीक है। करके अच्छे से पूरे चेहरे पे अच्छे से लगाओ फिर शेव करो, आपके ब्लेड की उम्र भी बढ़ेगी, ब्लेड आपका बहुत ज्यादा चलेगा और जंग नहीं लगेगा उसमें, और आपका चेहरा फिर जब शेव करोगे तो पूरे चेहरे पे फिर से लगाओ, 15 मिनट छोड़ दो, वॉश करो, आपका चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा, गोरा नजर आएगा, और जो बाल आने लगेंगे ना बाद में वो बहुत सॉफ्ट आएंगे, मोटे मोटे चुभते हुए बाल नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से शेविंग के लिए भी यूज कर सकते हो, पिंपल्स वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो, अच्छे से मसाज करना है, मेरी वीडियो जरूर जाके देखना यूट्यूब में, तो वहां पर आपको मिलेगा कैसे साबुन इस्तेमाल करना है, अच्छे से लगाना है, 15 मिनट छोड़ना है, उसके बाद वॉश करना है। वॉश करने के बाद थोड़ा सा टूथपेस्ट लेना है, चेबी ऑयल मिला के लगा के आप बाहर जा सकते हो, चेबी ऑयल आपको यूवी रेज से बचाएगा, जो किरणें धूप की पड़ती है उससे बचाएगा आपकी स्किन को, और स्किन को अच्छा रखेगा, ठीक है। तो ये हुआ सोप लगाने का तरीका। पिगमेंटेशन के लिए छाइयां जो होती है, स्किन काला हो जाता है, गर्दन काली, एल्बोज काले, नी काले, उसके लिए हमारा टी ट्री क्रीम लेना है, राइस साइज लेना है, टी ट्री क्रीम राइस साइज लेना है, टूथपेस्ट लेना है मटर के दाने के जितना, और बेबी चेबी ऑयल इधर लाया हुआ नहीं है, बेबी चेबी ऑयल ये मैंने छोटी बोतल में निकाला है, इसको 2 से 3, 3 से 4 ड्रॉप लेना है, ठीक है। ये तीनों को अच्छे से मिक्स करना है, तीनों को अच्छे से मिक्स करना है, चेहरे पे अप्लाई करना है, सिर्फ लगाना है, 5 सेकंड के बाद उसको मसाज करने लगोगे, डेड स्किन निकलेगी, पूरा काला काला निकलेगा आपके चेहरे से जो भी होगा, उसी वक्त फायदा नहीं होगा, थोड़ा सा आपका चेहरा चमकेगा, थोड़ा लगेगा वो लाइट पड़ गए हैं, लेकिन आप कंटिन्यू अगर उसको करोगे तो आपका चेहरा अच्छा हो जाएगा, वो जो पिगमेंटेशन छाइयां जो मस्ता है खत्म हो जाएगा। इसको करने के लिए रात का टाइम अच्छा है, रात को सोने से पहले करो, लगाओ, मसाज करो, छोड़ दो, सुबह में उठ के गैनोजी सोप लेके अच्छे से लेके मसाज करो, छोड़ दो 15 मिनट, वॉश करो, टूथपेस्ट और चेबी ऑयल लगाओ, काम पे जाओ, कुछ दिन 1 हफ्ते में देखना आपका चेहरा साफ होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर का कितना भी इलाज किया उससे नहीं होगा, लेकिन इससे होगा, लेकिन खाने के लिए भी देना जरूरी, क्योंकि ये सारी चीजें अंदर से होती है, मशरूम स्पिरुलिना मोरस, ये तीनों चीजें खाने के लिए भी देना, ठीक है, और मोरस भी ज्यादा लेना है। गंजो के सर पे बाल, क्यों बाल गिर रहे हैं यहाँ पर, इस कंट्री में धूप बहुत तेज है, यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, यहाँ का खाना पीना हम लोग को जो मिल रहा है वो अच्छा नहीं मिल रहा है, रेस्टोरेंट से होटल से खा रहे हैं उसमें भी कितने केमिकल्स है, क्या उनको कुछ नहीं मालूम, उससे हमारे बाल, और सब में बड़ा और एक चीज क्या है, सब में बड़ा टेंशन है ना, टेंशन तो है ही है, सबको है टेंशन, टेंशन के बिना कोई भी नहीं है, तो टेंशन सबको है, टेंशन से भी आपके बाल गिरते हैं, तो बाल गिरने लगे तो उसके लिए मेरा एक ट्रीटमेंट है बहुत ही अच्छा, शैम्पू लेना है 1 चम्मच गैनोजी शैम्पू, नॉट प्लस, प्लस वाला नहीं लेना, मेरा ट्रीटमेंट के लिए गैनोजी शैम्पू जो हमारा पुराना है वो, ठीक है, प्लस में थोड़ा सा शाइनी वगैरह है इसके लिए वो नहीं लेना है, गैनोजी शैम्पू 1 चम्मच लेना है, गैनोजी ऑयल गैनो ऑयल 1 चम्मच लेना है, बॉटल को शेक करके पानी 1 चम्मच लेना है, गैनोजी टूथपेस्ट 1 से 1.5 इंच लेना है, इन चारों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, बॉटल है तो बॉटल में मिक्स करो, बालों में डाल दो, फिंगर टिप से अच्छे से मसाज करो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरे बालों में मसाज करके, यहाँ पर भी ये भी मेरा यूट्यूब में जाके आप वीडियो देख सकते हो, सब आपको देखने मिलेगा किस तरीके से करना है, मुझे फिर से फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, और वही वीडियो शेयर करो लोगों से अपने लोगों को, तो वहां पर ट्रीटमेंट पूरा दिया हुआ है, वो ट्रीटमेंट करो, 1 घंटा छोड़ दो, 1 घंटे के बाद वॉश करो, वॉश करने के लिए आपको पानी लेने की जरूरत नहीं, शैम्पू लेने की जरूरत नहीं, अगेन पानी डालोगे तो पूरा शैम्पू को जब रिंस करोगे तो पूरा ऑयल वगैरह निकल जाएगा, ठीक है। तो यही ट्रीटमेंट हफ्ते में 3 बार करना है, 1 हफ्ते में ही आपके गिरने के बाल बंद हो जाएंगे, दूसरे हफ्ते में पूरा खत्म भी नहीं हुआ आपके छोटे छोटे से नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा दी, आप लोग सबको पहचानते हैं जिनके बाल आए हो वो बताती हूँ, उसके साथ में अगर मशरूम स्पिरुलिना मोरंसी ले सकते हैं तो देना, नहीं तो स्पिरुलिना और कॉफी जरूर देना ताकि उनको अंदर से भी हेल्थ मिले, ठीक है। अब जो जिनके बाल बहुत कम है वो लोग पूरा गंजा कर दो,
उल्टा वस्त्रा मार दो, उल्टा रेजर मार दो, ठीक है। जब उल्टा रेजर मारोगे तो पोर्स ओपन हो जाएगी, उसके ऊपर करोगे तो जल्दी फायदा होगा, अंदर जाके काम शुरू हो जाएगा, ठीक है।